यार पहले मैं आप लोग को बता दूं, 200% उम्मीद रखो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आईडी वेरीफाई होगी। अगर नहीं हुई आप लोगों की आईडी वेरीफाई तो मैं कसम खाता हूं यूट्यूब का कि आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जो शर्त है वो शर्त आपको पूरा रखना होगा, वीडियो को एंड तक देखो। और गाइज मैं पूरा 110% नहीं 200% मैं आपको दावा देता हूँ, मैं आपसे वचन देता हूँ कि भाई ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अगर फॉलो करो और आपका एक मंथ में अगर आईडी वेरीफाई नहीं है तो भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोग वापस आके इतनी गाली देना कि भाई ये यूट्यूब मतलब कि डिलीट ही हो देने चाहिए चैनल। ओके तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पहले शेयर चैट का कोई भी फॉर्म आता था ठीक ना, तो वहाँ पे क्या होता था, लोग वहाँ पे फॉर्म फिल करके अपनी आईडी को वेरीफाई करता था। लेकिन अब जो फॉर्म है ना, अब वो फॉर्म को हटा दिया गया है। इसका रीज़न यही है, मैंने बहुत बार बता चुका है कि आईडी हैक हो सकता है उस फॉर्म से, क्योंकि उसी के तरह सेम फॉर्म एक आईडी हैक होने का निकाल दिया जिससे आईडी हैक होता है। तो शेयर चैट ने वहाँ पर से हटा दिया। अब आप लोग मेल करके अपनी आईडी को वेरीफाई कर लोगे। ये भाई का भी देखो जिसने मेल किया है, यहाँ पर लिखा भाई मैंने 3 दिन पहले आईडी को मेल किया था, मेरी आईडी वेरीफाई होगी ठीक ना, जो कि इसकी आईडी 3 दिन पहले मेल किया था और इसकी आईडी वेरीफाई होगी। अगर आपको भी वेरीफाई करना है तो आपको भी मेल करना होगा। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं बना है, जो फॉर्म था पहले वो फॉर्म को हटा दिया गया है क्योंकि उससे आईडी हैक हो सकती है। ओके तो आपको कैसे मेल करना है बस यही सीख लो कि मेल कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप फॉलो करो। देखो आप फॉलो करोगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप चाहते हो वैसे ही देखकर मैं वेरीफाई के लिए ईमेल कर दूँ तो कभी नहीं हो सकता ठीक ना। तो गाइज उसके लिए आपको ईमेल शेयर चैट का जो मेल है वहाँ पे जाना होगा, और अगर आपको मेल नहीं पता तो साइड में भी देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो givrains@sharechat.com ठीक ना। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा ठीक ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या करना है यहाँ पे आएगा। तो गाइस देख सकते हो उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो givrains@sharechat.com ठीक ना, ये शेयर चैट की मेल है और आपको इसी पे मेल करना है। यहाँ पे आपका आईडी पहला में दिखा देगा फ्रॉम नॉडी खान या फिर NX मेरा जो जीमेल है वहाँ से जा रहा है, टू किसको जा रहा है, शेयर चैट को जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ इसको मेल, तो शेयर चैट क्रिएटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शेयर चैट क्रिएटर प्रोग्राम सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे कॉम्पोज ईमेल में क्या करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे फिल करना है कि आपको शेयर चैट टीम देखकर आपको वेरीफाई करेगा। मैंने कुछ लिख चुका है, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है जो कि मैंने लिख चुका है, आप लोग कभी इसी को कॉपी करके डाल देना, नहीं तो आपको अपने से लिखना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए सुन लो मैं क्या बोला। तो गाइज यार यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने मेल ऑलरेडी सजेस्ट करके रखा है, आप लोग को भी यही को कॉपी करना है फिर पेस्ट कर देना। फिलहाल आप सुन लो मैं क्या लिखा हूँ, आप समझ लो मैं क्या लिखा हूँ। ओके यहाँ पे लिखा मैंने, डियर सर और मैडम, आई होप यू आर फाइन, यू विल बी गुड। यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे मैंने लिखा है, डियर सर और मैडम, हाउ आर यू, होप यू विल बी गुड। तो गाइस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सर आप कैसे हो, या फिर मैडम, सर भी हो सकता है या मैडम भी हो सकती, कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। यहाँ पे लिखा, सर आई एम पोस्टिंग ओरिजिनल फ्रॉम 2 मंथ, मैं 2 महीना से लगातार ओरिजिनल पोस्ट कर रहा हूँ, बट टिल नाउ आई हैव नॉट फाउंडेड क्रिएटर, आई पोस्ट एवरी डे 1 कैटेगरी, मैं अभी तक मुझे क्रिएटर नहीं मिला है, मैं हर दिन पोस्ट करता हूँ 1 ही कैटेगरी का, प्लीज़ वेरीफाई माई आईडी बाय चेकिंग माय अकाउंट, मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो, यू कैन चेक माय अकाउंट, आई पोस्ट एवरी डे विथ वाटर मार्क्स और आल्सो विथ यूजिंग हैशटैग, मेरा जो पोस्ट है ओरिजिनल है और मैं वाटर मार्क्स यूज़ करता हूँ और 5 हैशटैग भी यूज़ करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपका जो आईडी का लिंक है यहाँ पे लिख, जैसे मैंने लिखा है माय आईडी लिंक, उसके बाद आपका आईडी को वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, माय रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल नंबर करके, माय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करके यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है जिससे आपकी आईडी खुली है ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 चीज़ आपको ज़रूरी याद करना है, हैंडल नेम और रजिस्टर्ड नंबर में कुछ गलत मत करना, नहीं तो तीनों चीज़ में गलत मत करना, नहीं तो नहीं होगा ठीक। उसके बाद माय हैंडल नेम @ जो भी होता है XYZ जो भी होता है उसके बाद दे देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी इंटरेस्टेड विथ शेयर चैट। उसके बाद ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे थैंक यू करके कुछ लिख देना है, जैसे मैंने लिखा थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मेरी समस्या को समझने के लिए धन्यवाद।
सॉरी शुक्रिया धन्यवाद एंड यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड विथ यू शेयर चैट। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ शेयर चैट के साथ। आई विल वेट फॉर योर आंसर, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। ऐसे करके मैंने जो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बनाया यहाँ से कॉपी करके आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना सेम टू सेम कोई भी कॉपी करके सेम टू सेम मत करना और मुझसे मांगना भी नहीं, ये कॉपी मत मांगना। अगर आप लोग को चाहिए ये कॉपी पेस्ट तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये इंस्टा का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नहीं तो आप क्या करना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप अपने शेयर चैट को मेल करना है, तभी होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे मेल कर लेता हूँ और यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, तो जो इस डिस्क्रिप्शन मैंने भरा है वो आपको खुद से भरना है एंड इससे थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अगर हर लोग जैसे 100 वीडियो देख रहे हैं, 100 आदमी, आई होप कि बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें से 10 का 10 सेम ही अगर पोस्ट किया तो भाई यहाँ पे उन लोगों को कोई को क्रिएटर नहीं मिला। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है, ठीक ना। आपको अपने से सजेस्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो चुका है सब चीज़, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, सबमिट हो गया गाइज। और गाइज ये वाला जो है ना 7 से 8 दिन तक आपको कंटिन्यू 5 पोस्ट करना है, उसके बाद आपको फिर 7 से 14 दिन और, ठीक ना। मेरा मतलब कि आपको पूरे 15 से 20 दिन से मतलब 1 महीना तक वेट करना है। और 1 महीना में अगर आपकी आईडी देखो 2 दिन में भी हो जाएंगे, 24 घंटा में आपका रिप्लाई आ जाएगा, तो 24 घंटा में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है। तो बस आपका यहाँ से ही होगा, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो नहीं होगा, सिर्फ मेल करने से ही होगा। ये मेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, शेयर चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है। और गाइस TDS क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो एंड स्क्रीन में देख लेना, वहाँ पे मैंने बता दिया जो कि नया अपडेट आया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। और गाइस भाई के लिए एक कमेंट तो बनता है, जो कि मैंने जो चीज़ भी आपको समझाया समझ में आया या नहीं आया हमें आप लोग से जानना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।